हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका पहला चैनल नर्सिंग गुरु जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 9000 समथिंग वैकेंसी आई है। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई थी, बट फाइनली काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, तो वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी। आज मैं आपको इस वैकेंसी के साथ ये भी मिलाने वाला हूँ, ऐसे शख्स है जिनका RRB जम्मू कश्मीर से सिलेक्शन हो गया है। सर, आपका बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से और हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। सर, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बच्चों की कि आप कंटिन्यू प्रिपरेशन कैसे कर सके अगर हमारा किसी भी जगह सिलेक्शन नहीं हो रहा है। डेफिनेटली UPNHM से स्टार्टिंग होती है कोई भी सिलेक्शन की, बट अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हम कंटिन्यू प्रिपरेशन हमारे माइंड प्रिपेयर कैसे कर सके था, तो उसके लिए थोड़ा सा बच्चों को गाइडेंस करिए। सर, मेन बात तो ये होती है कि हमें हमारे दिमाग से निकालना पड़ेगा कि हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। सबसे पहले अगर एक इंसान ये दिमाग से निकाल दे कि वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो श्योर सेलेक्शन मिलेगी। दूसरी बात होती है कि हम 500 बुकों का सहारा लेते हैं कि हमें ये भी मिलना है, ये भी पढ़े, जिसकी वजह से हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमें मेन फोकस सिर्फ एक बुक को 15 बार 20 बार आपको पढ़ते रहो, उस बुक को पढ़ो और जितने हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश में लग जाए। प्रिपरेशन कंटिन्यू होनी चाहिए, बीच में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए कि हम सोचें कि आज अपन ने बहुत अच्छे से 12 घंटे बैठ के प्रिपेयर कर लिया। 12 घंटे इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें प्रिपरेशन के लिए 4 घंटे भी लगाएं, पर रेगुलरली लगाएं, ये इम्पॉर्टेंट रखते हैं। सर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम कौन सी बुक पढ़ें या फिर किस तरह से प्रिपरेशन करें। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपने क्या पढ़ा। और फाइनली मुझे पता है, जहाँ तक आपका 2 आपने एग्जाम दिए हैं दिल्ली एम्स का, उसके बाद में लगा सेकंड एग्जाम RRB आपने जम्मू कश्मीर से फाइट किया और आपने क्रैक भी किया, तो इतनी जल्दी, हालांकि हम दे सकते हैं 10 एग्जाम भी दे सकते हैं, बट इतनी जल्दी सिलेक्शन कैसे मिल पाए हमारे फ्रेशर को। सर, फोकस ये होना चाहिए कि सर हमें अपना 3 महीने का एक टारगेट लेके चले कि 3 महीने हमें पूरा अपना डेडिकेशन एक स्टडीज़ के ऊपर ही देना है। अब डेडिकेशन देने के टाइम पे हमें ये होना चाहिए कि हम पूरा एक पूरा पैटर्न पढ़ाई के जो आर्ट्स हैं उसको एक साथ ना लगा दे, हमें उन पार्ट्स के अंदर बांटना पड़ेगा हमें कि भाई सुबह 2 घंटे पढ़ लिए, दिन में थोड़ा सा रेस्ट लेके दिन में पढ़ लिए, फिर उसके बाद शाम को पढ़ लिए। और अपन को मेन बात मैं बार बार ये रिपीट करना चाहूँगा कि हमें एक ही बुक का सहारा लेके पहले उस बुक को पूरा कंप्लीट करें कि हाँ हमें बाय हार्ट वो बुक याद हो गई, उसके बाद हम दूसरी बुक की तरफ आए। जब हम पहली बुक को सॉल्व कर लेंगे तो अपने आप दूसरी बुक हमें आसान लगने लग जाएगी, क्योंकि जितने टॉपिक्स होते हैं, जितना उनका साइंटिफिकली दिया हुआ है रीजंस है, वो सब कुछ सेम होता है। तो हमें मेन बात होनी चाहिए कि हमें एक बुक कंप्लीट हुई, फिर हमें लगा कि यार हमें और नॉलेज की ज़रूरत पड़ रही है, तब जाके हम दूसरी बुक पाए। एकदम से अपन एक साथ 15 बुकें जमा करके पढ़ने लगेंगे तो पूरे कन्फ्यूज हो जाएंगे और ये बहुत लंबा समय ले लेगा। सर, ये क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या जो PR यादव आती है, टारगेट हाई आती है और जो NCLEX आती है, तो बच्चे NCLEX में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि NCLEX बहुत बड़ा एक मैटर हो जाता है इतना, और PR यादव की उसके सामने इतनी सी होती है, तो क्या PR यादव टारगेट हाई अगर हम पढ़ें तो क्या हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर NCLEX पढ़ना ज़रूरी होता है क्या। सर जी, मैंने मेरी स्टडीज़ का जो पहला कॉम्पिटिटिव स्टडीज चालू करी थी वो मैंने PR यादव से चालू करी थी, क्योंकि वो बेसिक से अपन को लेके जा रही है। आज अपन NCLEX से अपनी स्टडीज चालू कर रहे हैं तो NCLEX में बिल्कुल एक एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट मिला, बट हमें कॉम्प्लेक्स से ना चले, अपन बिल्कुल बेसिक से चल के कॉम्प्लेक्स में चलेंगे तो वो फायदेमंद रहेगा। आज अपन गलती ये कर लेते हैं कि अपन NCLEX खोल के बैठ गए, NCLEX में अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर अपन दूसरी रेफरेंस बुक कर रहे हैं, ये गलत है। हमें पहले सिंपल बुक लेनी पड़ेगी, जैसे कि PR लिया, PR अच्छी है, सारे पॉइंट्स मिलेंगे, PR से कंप्लीट करते करते फिर अपन को आगे की और बुक्स के तरफ जा सकते हैं अपन। सर मैंने थैंक यू सो मच आपको, और थैंक यू गाइज। और अगर इस वीडियो को आप आगे भी देख सकते हैं कंटिन्यू, और डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डाल दिया है, वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हो पूरी डिटेल। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में नंबर डाले हुए हैं, वहाँ मुझे व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।